कई सारे स्टूडेंट्स भी आज शामिल हुए हैं। जी जी, सारे लोग और स्टूडेंट्स हैं या वृद्ध हैं या छोटे बच्चे भी आए हैं, और ये सब अपने मन से ही आए हैं, क्योंकि आप कान खींच के हर रोज़ किसी को नहीं ला सकते। जो आते हैं अपने मन से आते हैं, मैं भी आज मन से आई कि ये बात हमारी जारी रहनी चाहिए और भी इसे जोर पकड़ना ही चाहिए। हर लोग जो जब 7-8 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने पहली बार ये बात की थी स्वच्छ भारत हो गया, तो मैं भी क्योंकि मुझे समझ नहीं आई कि बात क्या हो रही है। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता की बात की, और हमें तब तक आदत हो गई थी कि हम यहाँ कुछ भी गंदगी कर देते तो हमें कोई रोक हो कैसे कुछ होती नहीं। और फिर मैंने ये देखा कि एक साल में, दूसरे साल में वो बात बढ़ती गई, वो नारा चलता गया और उसकी तरफ लोग जागृत होते गए। बच्चे, स्कूल, सोसाइटीज, बिल्डिंग, लेडीज, जेंट्स, सभी जुड़ते चले गए, मैं खुद जुड़ गई। और ये और हमें अच्छा लगने लगा, क्योंकि इसका अब हमने परिणाम देखा कि स्वच्छता एक्चुअली लोग इसके बारे में कॉन्शियस हो गए कि नहीं, हमारी सोसाइटी का ज़रा सफाई होनी चाहिए, हम करें नहीं तो कोई तो करे। और ये होते होते अच्छा होने लगा, और इसीलिए आई मिस्ड इट। जब पिछले 1-2-3 साल में शायद हमारे कुछ हालात ऐसे थे कि हम इसको कर नहीं पा रहे थे, इसकी बात नहीं हो रही थी, तो एक चेंज फिर से आया, एंड दैट इज़ आई एम सो हैप्पी कि नहीं, ये बात फिर से शुरुआत हुई है और अब इस बार वो कभी ना रुके, ऐसा मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है, और हम अपने देश को चमकाते रहेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे इतनी सी समझ आई है कि जब हम स्वच्छता अपने परिसर की रखते हैं तो स्वच्छता फिर अपने मन की भी होने लगती है, फिर हमारे काम में भी होने लगती है, फिर हमारी सेहत में भी होने लगती है। तो ये एक स्वच्छता सिर्फ एक ये बाहर के झाड़ू की नहीं है, ये अपने मन तन की भी झाड़ू लगा देते हैं। तो ये जो सफाई हम सब में आने लगेगी ना, तो हमें कोई रोक नहीं पाए। वैसे भी आप देख रहे हैं हमें कोई रोक नहीं पा रहा है, इंडिया आगे ही बढ़ता जा रहा है, भारत आगे ही बढ़ता जा रहा है, और इसी तरह बढ़ता है।